की तो कम ऑन इन द स्टेट फॉर द स्वीपर वर्क ओनली, मींस यू आर अ डॉक्टर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली, यू आर इंजीनियर फॉर द स्वीपर वर्क ओनली, आप प्रोफेसर हैं फॉर द स्वीपर वर्क ओनली, वहां भी तो एजुकेशन की जरूरत है पढ़ाने लिखाने की, डॉक्टरों की, वही स्वीपर वर्क ओनली। अब अनुच्छेद 35A जो ओरिजिनल संविधान में नहीं आया, संविधान के मूल प्रावधानों में नहीं आया, संविधान में लिखा नहीं गया, उस आर्टिकल ने ये कह दिया कि स्वीपर तो पैदाइश है हमारे यहां और बच्चा इन घरों में पैदा होगा। तो मूवी आई थी 3 इडियट, वो कहता था कि मेरे अब्बू ने कहा इंजीनियर फरहान कुरैशी पैदा होते हैं, वैसे जम्मू कश्मीर राज्य कहता है जम्मू कश्मीर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी क्या समस्याएं, उनकी समस्याओं को देखते हुए एक जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की आवश्यकता थी जो अलीगढ़ में बनाया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के ऊपर यहाँ शोधार्थी शोध करेंगे और उनकी समस्याओं का निराकरण कराएंगे। इस संदर्भ में आज पहली गोष्ठी आयोजित की गई जिसका विषय था जम्मू कश्मीर का भारत में विलय। समस्याएं क्या है जम्मू कश्मीर की जिसको लेकर? जम्मू कश्मीर में समस्याएं जैसे आज भी महिला और पुरुषों को नौकरी, सरकारी नौकरियों का अधिकार नहीं है। वहाँ जो हमारे रहने वाले स्वीपर भाई हैं वो जितने भी अदर दूसरे स्टेट के नागरिक हैं उनको केवल स्वीपर की ही नौकरी मिलती है, ये वहाँ समस्याएं हैं। महिलाओं को वहाँ नौकरियों में प्रावधान नहीं है, महिलाएँ केवल वहाँ वंश प्रजाति को बढ़ाने के लिए रखी गई हैं, ये वहाँ की समस्या है। धारा 370 और 35A पे भी चर्चा चल रही है, इससे देश के मतलब हिस्से से क्या ये जम्मू कश्मीर को अलग करती है? ये धारा जम्मू कश्मीर के हिस्से को नहीं अलग करती है, इसमें धारा 370 रखी गई है। धारा 370 के माध्यम से हम वहाँ कोई भी व्यक्ति जा करके वहाँ अपना, जब तक वहाँ नागरिक नहीं होगा कोई भी अपना उद्योग धंधा, कोई भी अपना मकान वहाँ नहीं बना सकता, इसलिए धारा 370 वहाँ आवश्यक नहीं है, उसका उसको हटाना आवश्यक है। 35A पर यही है, सरकारी नौकरियों में महिलाओं को और नए युवाओं को रोजगार देना चाहिए।